हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे साथ ही साथ इसको किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्स्पेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होगा ऑस्मोटिक so, प्रेशर क्या होता है इसको समझने से पहले ऑस्मोसिस क्या होता है इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस क्या होता है इसको देख लेते हैं सो so, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है अगर हम इसको जनरली डिफाइन करना चाहें सो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस ठीक है इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं जैसे कि हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं इसको दो भागों में बांटते हैं एंड जस्ट करते हैं कि इस साइड जो है हमारा सॉल्वेंट रखा हुआ है एंड इस साइड हमारा कोई सॉल्यूशन लगा है एंड सॉल्यूशन uh, रखा हुआ है एंड दोनों जो है आपस में सेमी परमिबल मेम्रेन के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये है हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब कि विलायक जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए वाटर एज्यूम कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारा जो है सब वाटर रखा हुआ है वाटर का जो मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं एंड इस साइड जो है हमारा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से मिलकर बना हुआ होता है तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन uh, जो है वाटर प्लस सुगर का जो है हम सोल्यूशन एज्यूम uh, करते हैं तो यहाँ पे तो ये हमारा वॉटर सोल्वेंट है इसके साथ में शुगर भी यहाँ पे है इस सॉल्यूशन में शुगर भी सुगर के मॉलिक्यूल्स भी हैं तो इस प्रकार से इस साइड सॉल्यूशंस एंड ये सॉल्वेंट है एंड दोनों आपस में सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है अलग होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा जो हमारा सॉल्यूशन है इसका कंसेंट्रेशन हाई होगा कंसेंट्रेशन जो है इसका हाई होगा एंड इस सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन जो होता है ये लो होता है तो इस स्थिति में जो सॉल्वेंट होता है ये लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर फ्लो करता है तो इसी को है ऑस्मोसिस कहा जाता है मतलब सॉल्वेंट जब लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन वाले सोल्यूशन की ओर सेमी सेमीपर्मिएबल मेम्रेन के द्वारा जो है जब ये फ्लो करते हैं इस साइड तो इसी को जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस कहा जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर इसी के ऊपर रिलेटेड है सो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले अगर ऑस्मोसिस को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इसको इस प्रकार हम कर सकते हैं द ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द मोलिक्यूल ऑफ सोलवेंट पास फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ अ लो कंसेंट्रेशन टू अ of ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ठीक है लो कंसेंट्रेशन वाले सॉल्वेंट uh, से सोल्यूशन uh, से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर पास होते हैं फ्लो करते हैं तो इसी को जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा तो इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर डेट मस्ट बी अप्लाइड टू अ टू हाफ द फ्लो ऑफ सोल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस इट इज अ अलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इज डिपेंडेंट ऑन द कंसट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन द सोलूशन ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑफिंग फॉर्मुला ठीक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है एक मिनिमम प्रेशर होता है आ, अगर एक मिनिमम प्रेशर होता है जो बेसिकली इस सोल्यूशन के ऊपर जो है ये प्रेशर डाला जाता है जिससे सेमी परमिबल मेम्रेन के द्वारा जो सोलवेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन की ओर जाते हैं ये फ्लो जो है रुक जाता है या वहीं पे जो है कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे जब प्रेशर को अप्लाई किया जाता है तो यही प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है ठीक है है, औ, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सोल्यूट पार्टिकल्स के कंसेंट्रेशन पर है, है, कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मुला पाई इक्वल टू आई सी आर टी जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर है एंड आई जो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर्स है एंड सी जो है मोलर कंसेंट्रेशन है ऑफ द सोल्यूट इन इन द सोलूशन एंड आर हमारा यूनिव वर्सल गैस कॉन्स्टेंट टी जो है टेम्परेचर है तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का यूज करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं अब इस डायग्राम के द्वारा भी आप समझ सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरल रिप्रेजेंटेशन है आप अपने एग्जामनेशन में जो है ये बेसिक पॉइंट ये फॉर्मूला एंड ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर अ गुड मार्क्स के लिए क्योंकि सेमेस्टर uh, में थ्योरी पोर्सन हम, हमको लिखना है तो हमको हमारा आंसर जो है अच्छा बनाना है एक अट्रैक्टिव uh, टाइप से तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए साथ ही साथ डायग्राम के द्वारा आप इसको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो ये हमारा ये अंदर ये सोल्यूशन है ये बाहर सोल्यूट है एंड ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है आपस में ये uh, अलग है तो जब ये सोल्यूट uh, के पार्टिकल्स जब इस मोलिक्यूल जब इस, solute, जब इस, solute, जब इस solute, के अंदर जाना स्टार्ट होंगे तो ये सॉल्यूशंस का जो मात्रा है वो डेफिनेटली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी को रोकने के लिए जो है ऑस्मोटिक प्रेशर यूज किया जाता है इसी सॉल्यूशंस के ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे कहा जाता है जिससे ये, ये जो फ्लो होता है सोल्यूशन एंड सोलवेंट के बीच ये जो है रुक जाता है ठीक है तो इसी को ही हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका जो है प्लांट्स मेंटेन देयर अपराइट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर so, सो प्लांट जो जो है जो है ये ऑसमोटिकेश करते हैं एंड ये है, अपना मेंटेन रखते हैं जो अपराइट सेप होता है वेन सफिशियंट वाटर इज सप्लाइड टू द प्लांट इट सेल्स एब्जॉर्व वाटर एंड एक्सपेंड दिस एक्सपेंशन ऑफ प्लांट सेल इंक्रीज द प्रेशर एक्सपर्ट ऑन देयर सेल वॉल कॉजिंग दैम द स्टैंड अपराइट ठीक है जो जो

अभी फिगर से पूरा डिटेल समझ लेंगे सो बेसिकली मेजरमेंट मेजर करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को उन्नीस में रॉ एंड एब्राम्स ने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक ऑस्मोमीटर जो है इन्वेंट किया था ये जो बिना बिनाटिक कंट्रोल के भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है एंड इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसके लिए हमको जो है सैंपल जो हम यूज करेंगे बहुत ही कम मात्रा में सैंपल की आवश्यकता पड़ती है जीरो पॉइंट की अगर हम सैंपल लेते हैं तो भी उसका हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर के इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर

एंड ऑस्मोमीटर इसे कहा जाता है ऑस्मोमीटर यूज फॉर रैपिड मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल वॉस डिजाइन बाय रॉ एंड एब्राम्स इन नाइनटीन ठीक है तो ये जो है बेसिक मेजरमेंट uh, करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर का सो uh, so ये था बेसिकली uh, हमारा ऑस्मोसिस्क का कंप्लीट नोट्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इसलिए आपको इस इसका मेजरमेंट करने का जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये भी बनाना इंपॉर्टेंट है सो so ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड आपके लिए ये नोट्स यूजफुल हुए होंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सो so, ये मेजरमेंट करने के लिए आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप ये डायग्राम शो कर सकते हैं आपके आंसर को बेटर बनाने के लिए एंड आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं बा, आ, हाँ इस फार्मूला को हम बेसिकली यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है मापने के लिए Uh, जो है मेजरमेंट कैलकुलेट uh, करने के लिए सो so, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर का डिटेल एक्सप्लेनेशन आई uh, होप कि आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा इसके अलावा अगर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैंडमेड्स नोट्स सेमेस्टर एक्जामिनेशन के लिए तो आपको नीचे लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का आप चेक कर सकते हैं वहां पर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे सो so, एक बार जरूर चेक कीजिए पीडीएफ स्टोर एंड आगे की वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग